मैं तो बस मेरी मेरी बहू बहुत अच्छी है। ये अश्रु जो है, ये भाव जो है, ये प्रेम से और उल्लास का भी है, एक खुशी का भी है। और जिस तरह इन्होंने मेरे लिए साक्षात ससुराल प्रकट कर दिया, मैं कभी मिली नहीं थी, कभी जानती नहीं थी क्योंकि ऐसो मन होए मेरो, ऐसो मन होए मैं उठाए ले कनिया। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। हमने आपको मिलवाया था भगवान श्री कृष्ण से शादी करने वाली एक भक्त से। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने शादी तो की, लेकिन नंद बाबा कौन थे और यशोदा मैया कौन थी? आइए मिलवाते हैं। ये पूरा परिवार है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटा माना और उसी जो रीति रिवाज होती है वो निभाई और उनके लिए एक बहू ढूंढी। ये उनकी बहू है और शादी में पूरी रस्म निभाई। आइए बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिज मोहन लाल हांडा। राधे राधे। आशा हांडा। मैया, ये बताइए कि आपके मन में कैसे आया कि मुझे इनको बेटा मानना चाहिए और बेटा मानने के साथ पूरी रीति रिवाज से बहू लानी चाहिए इनके लिए? हमारे पड़ोस में चंद्र सखी हैं, बड़ी प्यारी सी। उन्होंने इनकी ना वीडियो दिखाई मुझे थोड़ी सी, तो इनका भाव देख करके तो मेरे पास लाला का सेवा है, लाला मेरी की। तो वो मेरे जो लाला हैं वो साक्षात हैं, उनका नामकरण भी हुआ है, उनको हम बहुत मानते हैं। उन्होंने भी कई खेल दिखाए हमें। तो मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा ये इससे तो मैं मिलूँगी, ये तो मेरी बहू लग रही है। मैंने कहा, ऐसे मन में सोचा, तो मैंने गोपाल से कहा, गोपाल लाऊं तेरी बहू? तो गोपाल कहने लगे, ले आओ मैया, आपकी सेवा करेगी। तो मैंने कहा ठीक है, हैं सेवा करेगी। और मैं कहा अच्छा चलती हूँ मैं। तो उनके साथ में मैं प्रिया के घर गई। तो जैसे ही प्रिया को मैंने देखा ना, और पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक ना सुंदर सा हार रख लिया, पता नहीं क्यों। गोपाल जी कहने लगे एक सुंदर सा हार रख लो आप, है ना, हार रख लिया और पर्स ले लिया। तो प्रिया के पास जैसे मैं पहुंची और इसको देखा मैंने, ये मेरे से लिपट गई, मैं इससे लिपट गई, और दोनों जने रोने लग गए। मतलब ये आपकी बहू? हाँ, ये प्रिया है ना इनका नाम। बहू को जब मैंने देखा ना, तो ये देखा तो हम दोनों जने आपस में उन्होंने बोला ना चंद्र सखी कि ले आपकी सास आ गई। तो इसने देखा और ये मेरे से लिपट गई, मैं इससे लिपट गई, और दोनों जने रोने लग गए। ये भी ये तो बहुत ऐसे जब दिल से लगी ना, तो मेरे दिल में भी पता नहीं क्या होने लगा, मैं भी रोने लगी, ये भी रोने लगी। मैंने इसे बहुत प्यार किया, इतनी प्यारी, हाय राम, इतनी प्यारी मेरी बहू, ये कहाँ थी अभी तक। अच्छा, फिर मैं चुपचाप बैठी और मैंने फिर इसे अपने लाला की एक दो बातें बताई। तो कहने लगी, मैया आप बारात लेके आओगे? मैं कहा क्यों नहीं आएंगे, जब मैंने बहू देखने आई हूँ तो मैं बारात लेके आऊँगी। तो मैं घर पर आई, घर पे आके प्रिया का फ़ोन भी नहीं आया, मेरा भी फ़ोन नहीं गया, हमें पता नहीं चला कि हम क्या करेंगे। बस भाव भाव में दोनों जने आपस में रहने लगे। तो मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया, मैं कहा बेटी ऐसे ऐसे करके, मेरी बेटी रश्मि है, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा बेटी ऐसे ऐसे करके मेरे को मेरी बहू मिली है, मेरे को ना शादी करनी है लाला की, तू आ जा। मेरी मम्मी तो पागल हो गई। घर वालों के साथ साथ जो और समाज के लोग होते हैं वो भी इस तरीके की बात करते हैं? ये तो पागल हो गई है, चल मैं आ जाती हूँ, लेकिन माँ तो पागल हो गई है, चलते हैं। मैंने मतलब उस बहुत सारी बातें उससे कही, तो बोले माँ तो पागल हो गई है, चल चलते हैं थोड़ा सा। जो जब मैं वो आ गई, फिर मैंने उसको बताया और मैंने दिखाया इसको, फोटो इसकी दिखाई, मतलब बात सुनाई। तो वो भी भक्त है, वो भी राधा रानी को बहुत मानती हैं। तो उसके दिल में आया, अरे ये तो वाकई में भावुक हो गई वो भी।
तो कहती तो प्रिया ने कहा कि भी वो चंद्रसखी कहने लगी कि भी आपने सिर्फ अपने फ़र्ज निभाने हैं, आप बारात लेके चलेंगे और सारा इंतज़ाम वहाँ पर है और करेंगे। तो रश्मि बोली क्यों, जब हम अपने किशोरी जी ला रहे हैं तो हम क्यों नहीं भाई सब कुछ बनाएंगे, हम तो सुंदर सा सेट भी लेके जाएंगे, बिछुए सब पूरा मतलब वरी लेके जाएंगे, सब कुछ विधि विधान से हुआ था, विधि विधान से करेंगे हम। आप बताइए जब आप बारात लेकर जा रहे थे तो मन में क्या भाव था? बस मन में यही भाव था कि ठाकुर जी की लीला प्रत्यक्ष रूप से हो रही है, जो कि हमारे जैसे व्यक्तियों को जो है ये पदवियाँ मिल रही हैं, कोई हमको नंद बाबा बोल रहा है, कोई इनको यशोदा मियाँ बोल रहा है, घर में तो देखो बहुत लोगों ने ठाकुर जी रखे हुए हैं, बहुत लोग सेवा करते हैं बाल गोपाल की, लेकिन हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हमारे गोपाल जी ने पहले भी बहुत लीलाएँ दिखाई हुई हैं हमको, तो हमने कहा ये इनकी अभी नई लीला है बहू लाने की, चलो ये हो रहा है, बस यही प्रसन्नता थी कि एक बहू आ रही है हमारे यहाँ। और जब हम इनसे मिले तो देखा कि साक्षात ये तो बिल्कुल ही हमसे कई गुना ज़्यादा भाविक है। तो फिर और वहाँ पर फिर सबसे बड़ी बात ये हो गई कि जो इनके रिश्तेदार थे पहले, वो भी पहले अनमने से मन के साथ सब काम कर रहे थे, पर जब उन्होंने हमारे हाव भाव देखे कि हम किस प्रकार से जैसे सचमुच में अपने बेटे की शादी में कोई उत्साह से करता है और देना लेना सब तैयारी करके जाता है, तो उनके भी सबके मस्तिष्क में परिवर्तन हो गया और वो सब हमारे आगे पीछे ऐसे घूमने लगे कि हम सच में ही इनके समधी हैं और सब ने हमारी इतनी सेवा करी कि क्या शायद हमारे असली समधियों ने भी हमारी इतनी सेवा नहीं करी होगी जितनी इन लोगों के घर वालों ने हमारी सेवा करी। सांस्कृतिक रूप में जो आपके बच्चे हैं आपके? हाँ हमारे बच्चे हैं, बेटा है, बहू है, बच्चा है उसका, लेकिन ये मेरा बेटा है। लेकिन ये है कि भाई वो अपने गृहस्थ में मस्त है, हम विरक्त हो चुके हैं, हम विरक्त हैं, हमारा इस टाइम पियो बेटा है, ये बेटा है हमारा। तो क्या लगता है जीवन भर आपका साथ निभाएंगे? ये तो हमारे अंग संग है, हमारे साथ रहेंगे, ये जब मेरी गोदी में बैठे तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा पियो कहाँ थे ये, इस रूप में कहाँ थे, वैसे तो मेरे पास ही थे, तो इस रूप में कहाँ बैठे हुए थे हैं, और अभी तक बुलाया क्यों नहीं मेरे को। तो हंसने लगे, कहते माँ अब तो ले लो गोद में, अब मैं आ गया हूँ, अब आपकी पूरी सेवा भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, बहू सुंदर सी लाऊँगा हैं, उससे चरण दबवाऊँगा, उससे खाना बनवाऊँगा। मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा अच्छा। और प्रिया के रूप में ये हमारी बहू जो मिली है मैं आपको बता नहीं सकती। आप बताइए, आप बहू बनी है इनकी, तो किस तरीके से सेवा करेंगी आप? मैं तो बस मेरी बहू बहुत अच्छी है, ये तो भाव से भी करेगी ना। इनकी मम्मी की सेवा देखते हुए ये अपने माँ की जो सेवा कर रही हैं, है ना, आप यकीन नहीं करें, ऐसा कोई कर नहीं सकता। देखिए बात करते करते भावुक हो गई और अपने आप को नहीं रोक पाई, देखिए किस तरीके का प्रेम है जो आप देख रहे हैं के बात, इनसे जब हमने बात की तो उनके बताते बताते भावुक हो गई हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। आप भावुक क्यों हो रही हैं इतना? क्योंकि क्योंकि मेरे को किशोरी जी मिल गई, इनको यशोदा मैया मिल गई, हम लोग इसलिए, क्योंकि मैंने पीयू से ये मांगा था कि आपकी मैया यशोदा मैया आनंद बाबा, मैंने बताया था पहले भी कि कोई तो होना चाहिए जो मुझे ये महसूस कर सकूं कि हाँ बाप ने मुझे संपूर्ण तरीके से अपनाया है। तो
ये अश्रु जो हैं, ये भाव जो है ये प्रेम से और उल्लास का भी है, एक खुशी का भी है कि मुझे मेरी यशोदा मैया और मेरे नंद बाबा मिले हैं और मैं आपको बता नहीं सकती, इतने प्यारे हैं ना ये, इतने प्यारे हैं। मैंने जैसा सपने में सोचा था बस बिल्कुल वैसे ही है। इस भाव को मैं ज़्यादा व्यक्त नहीं कर सकती क्योंकि ये अश्रु है ना, ये सब व्यक्त कर देते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। और आपने पूछा सेवा, तो देखिए ना तो मैं लायक थी, ना मैं हूँ, ना मैं हो सकती। बस मैं तो इनके पुत्र से ही, इनके चरणों में ही प्रार्थना करती हूँ कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोए भावे। जैसे ये प्यारे मुझे आज्ञा करेंगे मैं इनकी उसी प्रकार से सेवा करूँगी। जिस प्रकार से मेरे पिया मुझे आज्ञा करेंगे उसी प्रकार से मैं अपने सेवा भाव से संपूर्ण तरीके से अपने यशोदा मैया और नंद बाबा की सेवा करूँगी। बस यही आपसे, सभी से मेरा यही एक अनुरोध और यही एक विनती कि भाव यदि सच्चा है तो वो साक्षात आते भी हैं। और जिस तरह इन्होंने मेरे लिए साक्षात ससुराल प्रकट कर दिया, मैं कभी मिली नहीं थी, कभी जानती नहीं थी, लेकिन मेरे दाऊ भैया, मेरा पूरा परिवार, मेरी यशोदा मैया, मेरी ननद सुभद्रा जी, मेरी सास, सब पूरा परिकर इन्होंने प्रकट कर दिया। तो इस प्रत्यक्ष प्रमाण से ज़्यादा मैं आप सबको कुछ नहीं दिखा सकती। हाँ, किसी को अगर संशय है मेरे से मिले, या आप पर किसी को अगर संशय है कि आपने कुछ मुझे पढ़ा दिया या लिखा दिया, या मेरे मैया बाबा को कुछ पैसे दे के कुछ मतलब आपने रिकॉर्डिंग करवा ली, तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि सौरभ भैया आप सबको मेरा एड्रेस दें, मेरे से वो आए, मेरे मैया बाबा से मिलें, मुझसे मिलें, और वो साक्षात हमारे पिया की कुंज में आए और सब चीज़ें अपने आप वो देखें, ताकि उनके संशय कोई भी हैं तो वो ख़त्म हो सके। अब चलते चलते कोई भजन आप तीनों सुना सकते हैं? भजन तो क्या, खैर मेरा आप तो सुना दीजिए भाव के लिए। मैया सुनाएंगी अपने पुत्र के लिए कोई भी। ऐसो मन होए मेरो, ऐसो मन होए मैं उठाए ले यो कनिया। ऐसो मन होए मेरो, ऐसो मन होए मैं उठाए ले यो कनिया। बड़ी अखियां में जीना जीना कजरा, बड़ी बड़ी अखियों में जीना जीना कजरा। ऐसो मन होए मेरो, ऐसो मन होए मैं निहारू अनखनिया। राधे राधे, राधे राधे। ऐसो मन होए मेरो उठाए ले कनिया। ऐसो मन होए मेरो, ऐसो मन होए मैं उठाए ले कनिया। पीत झगुलिया जल मल जल के, पीत झगुलिया जल मल चल कत। ऐसो मन होए मेरो, ऐसो मन होए मैं लगाऊ पैजनिया। ऐसो मन होए मेरो, ऐसो मन होए मैं लगाऊ अनकनिया। छोटे छोटे पायन अंगना डोले, छोटे छोटे पायन अंगना डोले। ऐसो मन होए मेरो, ऐसो मन होए मैं पहनाऊं पैजनिया।